आशीष मिश्र की गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस का जो बयान आया है वो भी देखने योग्य है। आशीष ने एसआईटी को संतोषजनक जवाब नहीं दिया, ये कहा है यूपी पुलिस ने। एसआईटी को जांच में आशीष सहयोग नहीं कर रहा है, ये यूपी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कहा है। सवालों का जवाब देने से बचता रहा आशीष मिश्र, ये कहा गया है यूपी पुलिस की तरफ से। और जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। जैन साहब, ये सारी बातें क्या शक पैदा करती हैं? एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर के तौर पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका सीधा सीधा जवाब आशीष ने नहीं दिया, और बहुत सारे सवालों के जवाब में पुलिस को ये महसूस हुआ कि वो जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के द्वारा सही कदम उठाया गया है। जब आदमी को भटकाने की कोशिश करता है, जवाब स्पष्ट रूप से नहीं देता है, उसमें से सच्चाई नहीं झलकती है, इससे साबित होता है कि वो घटना स्थल पे रहा हो। और पुलिस ने मानकर कि कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकालकर, मोबाइल के सीडीआर निकालकर वो इस नतीजे पे आए होंगे कि ये वहां पर नहीं थे दंगल स्थल पर, और ये घटना स्थल के आसपास लोकेशन थी। तो सही कदम उठाया गया है, और जो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया है वो भी सही है, सोमवार को सुनवाई होगी। हाँ, मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो तीन लोग वहां पर पीट पीट के मारे गए हैं वो भी घटना उसकी वो भी हो रही है, उसमें भी जो अभियुक्त हैं वो भी अकाउंट फॉर होने चाहिए, पूरे प्रकरण में लगना चाहिए कि न्यायोचित कार्रवाई हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।